हेलो एवरीवन बच्चे, अब हम लोग देखेंगे नीट का 2023 का क्वेश्चन। बोरा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेसल इन द कॉनकाव? तो हम लोगों ने इसी चैप्टर का क्वेश्चन ये पहले डिस्कस किया है। अब हम इस चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 नीट में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर लेबल्ड एज रीजन आर। असर्शन में क्या है? एजिम्नोस्पर्म इज पोलन ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरिड बाई द एयर करंट। ये हमारा क्या है? असर्शन है। रीजन में क्या पूछ रहा है? एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, है ना, एग कंटेनिंग, वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब आर नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये तो एक ही स्टेटमेंट में समझ में आ रहा है ना, इसके पढ़ने में समझ में आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, बट आपको प्रॉपर वे से पता होना चाहिए। यहाँ पर एक आपको डायग्राम दी गई है जिसको आपने समझना है। ये डायग्राम क्या बच्चे? ये पोलन ट्यूब है, ये वाला जो पार्ट है ब्लैक कलर से जो बनाया है, ये पोलन ट्यूब है। ठीक है, और ये आर्चिगोनियम है, कंटेनिंग ओम, अंदर एग सेल्स हैं। ठीक है, और इस साइड हम लोग इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले देखो, असर्शन में पूछा गया है मीडियम ऑफ पॉलिनेशन क्या है। देखो, मीडियम ऑफ पॉलिनेशन जो होता है किंगडम एल्गा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में और जिम्नोस्पर्म में आपको पता होना चाहिए। वाटर पॉलिनेशन होती है एबायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है, इन तीनों में, और जिम्नोस्पर्म में एयर पॉलिनेशन होती है। ठीक है, तो दोनों ही एबायोटिक फैक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या पूछा है इसने। एसर्शन में पूछा, जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरिंजियम एंड कैरिड बाई द एयर करंट। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब रीजन में क्या बोल रहा है? एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम, यहाँ तक ठीक है, वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब्स आर नॉट फॉर्म। तो अगर पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होगी बेटा, तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ये पोलन ट्यूब है जिसमें हम लोग क्या मेल गैमेट कैरी करते हैं, मेल गैमेट कैरी होगा और ये यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन करेगा एग सेल के साथ। ठीक है, ये आर्चिगोनियम आ गया, है ना, जिसमें एग कंटेनिंग होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास ये वाला जो पोलन ट्यूब है इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा इसका? एसर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या आंसर बताया। आंसर में बता रहा है, इसमें ये चीज़ बता रहा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो ए तो ट्रू है, आर ट्रू नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड में क्या बता रहा है? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये सही है, रीज़न गलत है, असर्शन ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।